सो गाइस हम ना प्रात में ही खा रहे हैं क्योंकि हमारे से बर्तन नहीं धोए जाते हैं एंड खो यहाँ यहाँ से कच्चा है, यहाँ यहाँ से जल गया है और ये स्पेशल टोस्ट है इसका तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं सो हेलो गाइस कैसे आप सभी, होप यू ऑल आर गुड एंड स्टेइंग सेफ होम। तो गाइस आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ पैकिंग। तो ये है पैकिंग ब्लॉग, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ एंड कौन आने वाला है और किससे मैं मिलने वाली हूँ। मैं कहाँ जाने वाली हूँ यार गाइस, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। तो आपको ये पता करने के लिए कि मैं किससे मिलने वाली हूँ और कहाँ जाने वाली हूँ आपको पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा एंड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ा आएगा इस ब्लॉग में। तो यार मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस ब्लॉग को शूट करने के लिए क्योंकि यार इस ब्लॉग में बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि मैं किससे मिलने वाली हूँ और कहाँ जाने वाली हूँ, बट इस ब्लॉग में आपको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। हाँ कुछ भी बट एवर। ओके सो गाइज अभी मुझे पैकिंग करनी है, मैं अपनी सारी चीज़ें जो वो निकाल के रख रही हूँ क्योंकि अभी मेरी फ्रेंड गई हुई है ऑफिस, वो आएगी उसके बाद हम दोनों मिलके जो है वो पैकिंग करेंगे क्योंकि मेरी फ्रेंड भी यहाँ से शिफ्ट कर रही है, उसकी जॉब कहीं और है तो वो वहीं पर फ्लैट ले रही है तो वो वहाँ पे जाएगी एंड मैं उसके साथ भी थोड़ी सी हेल्प करवाऊँगी पैकिंग के लिए क्योंकि मेरा सामान कम है एंड उसका सामान ज़्यादा है। तो गाइस चलो चलते हैं फटाफट पैकिंग कर लेते हैं, अभी मैं चीज़ें कलेक्ट कर रही हूँ उसके बाद जब वो आएगी देन हम पैकिंग करेंगे। ओके गाइस तो चलो आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। ओके ये देखो हमारे पास कितना सामान है एंड हमारे पास बैग बहुत कम है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि सारी चीज़ें आएंगी कैसे, तो भी मुझे बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास तो दो बैग हैं बट यार सामान दो बैग में आने वाला नहीं है तो हमें अभी सारे सामान को पैक करने के लिए बहुत सारे जुगाड़ लगाने पड़ेंगे। तो अभी मैं पता ही क्या सोच रही हूँ कि गर्ल्स के साथ ऐसे क्यों होता है, लाइक उनका सामान बढ़ता ही क्यों जाता है, क्वांटिटी इनकी बढ़ती क्यों जाती है। अभी मैं घर से आई थी 15 डेज पहले आई थिंक चंडीगढ़, तो मेरे पास सिर्फ दो बैग थे एंड एक हैंड बैग था और अभी जब मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ कहीं जाने के लिए तो मेरे पास तीन बैग से ज़्यादा सामान हो रहा है। यार मैं कहाँ डालूंगी, या नया बैग लेना पड़ेगा, अगर बैग नहीं लेती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, मुस्कान के पास ही चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। तो यार ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ नहीं आता लोग दुबई कैसे कैसे 15 kg होता है, मतलब 15 kg के बैग में क्या लेके जाते हैं। अगर मुझे जाना पड़ा कभी इन फ्यूचर तो मैं तो, मुझे नहीं लगता मुझे तीन बैग चाहिए होंगे अकेले के लिए और 15 kg तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरा तो 50 kg हो जाएगा। तो यार मैं कर लेती हूँ पैकिंग अभी। मैं घर से जब आई थी तो मैं ग्रीन टी लेके आई थी कि मुझे ग्रीन टी पीनी है ये सो वो, और मैंने इसको अभी तक पैक से निकाला भी नहीं है। तो यार अब मैं जब सामान पैक कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं इसको कहाँ डालूँ, और मेरी सिस्टर बोल भी रही थी मुझे कि दीदी आप नहीं पियोगे आप मत लेके जाओ, बट नहीं मुझे तो लेके जानी है, मुझे तो पीनी है और 15 दिन में नहीं पी तो मुझे नहीं लगता कि आगे जितने दिन बच रहे हैं जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ वहाँ पे जाके मैं पीऊँगी। तो मुझे ये बड़ी आफत लगती है। मतलब पता है क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे जो मतलब की चीज़ें भी नहीं होती है ना, मेरा मन करता है कि मैं उनको रखूँ और वो यूज़ नहीं होती कभी भी नहीं। ये मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, 50% चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे यूज़ की नहीं होती है बट मेरे बैग में होती है। सो गाइस अभी ना मैं वीडियो एडिट कर रही थी और मेरी मम्मी की कॉल आ जाती है, पहले एक बार आती है दो बार आती है, मैं कट कर देती हूँ क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी और मेरी डाउनलोडिंग पे वीडियो चल रही थी। और फिर मैं उठाती हूँ मम्मी का फ़ोन तो यार मम्मी पता क्या बोलते हैं मुझे, बोलते हैं तुझे किसी ने कमेंट किया हुआ है, नेगेटिव कमेंट किया हुआ है। और मम्मी को लगता है, मम्मी बोलते हैं मुझे उसको डिलीट कर दे। यार होता है ना पेरेंट्स को कि हाँ नेगेटिव कमेंट है, पत्नी कैसे क्या मतलब ऐसा कुछ। तो यार मुझे समझ नहीं आती लोगों की कि ऐसे नेगेटिव कमेंट करते क्यों हो, और वो कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो मेरे नोन में से ही है और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उस पर्सन को। तो यार मेरी पता एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मैं किसी को यहाँ पे अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ या मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ कुछ भी कर रही हूँ तो मैं किसी को भी नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ और ना ही किसी की बुराई कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ और जो मुझे पसंद है लाइफ में मैं वो कर रही हूँ। तो आप मुझे तो वैसे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी वैसे चीज़ों से, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती हैं। बट यार हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो थोड़े से होते हैं ना, मम्मी बार बार देखते रहते हैं मेरी वीडियोस तो मम्मी ने कमेंट पढ़ा तो मम्मी को बुरा लग रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैं ये जो मतलब शॉर्ट ले रही हूँ। तो आप अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हैं
तो आप बुरा भी मत बोलिए, पर आप बुरा बोलना है मुझे तो दिल खोल के बोलिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मेंटली भी स्ट्रांग हूँ एंड फिजिकली भी स्ट्रांग हूँ। तो प्लीज़, और थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे इतना प्यारा कमेंट किया था, और मैं वो कमेंट जो है वो बोल नहीं सकती अपने मुँह से क्योंकि मुझे मेरे घर वालों ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और बहुत अच्छी तमीज़ दी हुई है। तो आपने जो कमेंट किया उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड मैं ऐसे कमेंट से बहुत मोटिवेट होती हूँ। अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, ऐसे कमेंट मुझे लगता है लाइफ में बहुत आएंगे, नेगेटिव भी आएंगे पॉजिटिव भी आएंगे, एंड अगर मैं ऐसे कमेंट के साथ जो वो खुद को मतलब ऐसे डीमोटिवेट करने लग पड़ी तब तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस, मैंने अपनी मम्मी के कहने पे ये कमेंट जो डिलीट किया हुआ है, अदरवाइज मैं इस कमेंट का बहुत अच्छे से रिप्लाई भी दे सकती थी एंड इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट भी कर सकती थी। मंदिर के बाद मैं आ जाती हूँ फ्रूट्स लेने के लिए, फ्रूट्स की रेडी पे, एंड देखिए आज मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ बहुत जल्दी ड्रैगन फ्रूट की, तो आज मैं उसके लिए ड्रैगन फ्रूट खरीद लेती हूँ, देखते हैं कि कैसा टेस्ट रहता है, मैं फर्स्ट टाइम उसको ट्राई करूँ। सो गाइस, अभी मैं मंदिर जाके आ गई हूँ एंड मैं देखो मेरे माथे पे हनुमान जी का तिलक लगा हुआ है, कितना कितना मतलब सुकून मिलता है जब हम माथे पे तिलक लगाते हैं, इवन वो हनुमान जी का हो या शिव जी का हो किसी का भी हो, मतलब एक सुकून मिलता है। तो गाइस मैं देखो मेरे मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अभी मुझे पैकिंग करनी है, जो कि मैं दोपहर से बोल रही हूँ पैकिंग करनी है एंड यार मतलब ना टाइम जो वो कंटिन्यूस चलता जा रहा है, एंड मुस्कान भी आने वाली है, 7 बज गए हैं, वो थोड़ा लेट हो गई है, और उसके बाद हम करेंगे दोनों मिलके पैकिंग, हम बनाएंगे खाना एंड आज हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि उसके बाद हम क्या पता कब मिलें। सो गाइस, मैं थक चुकी हूँ, अभी मुझे पानी पीना है, बैठती हूँ थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना, पैकिंग, और आज खाने में क्या बनाऊंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैंने अपनी कुकिंग वाली वीडियो आपके साथ अभी तक कोई शेयर नहीं किया है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी कुक हूँ जो कि मुझे लगता है, एंड बाकी कभी मौका मिला तो आप सबको भी मैं खाना खिलाऊंगी, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको खाना खिलाऊंगी, मैं भंडारा लगाऊंगी जिसमें मैं खाना बनाऊंगी। तो गाइस चलो जल्दी से मैं चेंज कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी फिर हम पैकिंग करेंगे। सो गाइज, मेरे अभी दादू की कॉल आई थी एंड मेरे दादू इनको बहुत मिस कर रहे थे यार, मतलब मेरी दादू जो वो मेरी जान है, मतलब मुझे अपने दादू इतने प्यारे हैं, और अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं और जाना है और मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने दादू के पास चले जाऊँ। तो यार किस किस को अपने ग्रैंड पेरेंट्स इतने प्यारे हैं, वो सबको होते हैं आई नो, बट मेरे दादू भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, फैमिली में आई थी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो सबको बराबर करते हैं, बट मतलब मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ उनको और मुझको ज़्यादा प्यार करते हैं। सो आज खाने में बनने वाला है, क्या बनने वाला है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या बनाऊँ खाने में, क्या हमारे पास है, कौन सी दाल बनाई जाए आज, मुझे लगता है हमें मिक्स दाल बनानी चाहिए। तो आज खाने में बनने वाला है गाइस मिक्स दाल एंड रोटी, एंड हम जो वो दाल थोड़ी ज़्यादा बना लेंगे कि हमें कल मॉर्निंग के लिए भी हो जाए क्योंकि हम पैकिंग करेंगे कल मॉर्निंग में, कल संडे है, नहीं कल तो संडे है, कल हम कुछ अच्छा और अच्छा बनाएंगे, दाल अभी नाइट के लिए एंड संडे मॉर्निंग के लिए हम कुछ और अच्छा बनाएंगे, देखते हैं कि क्या बनाते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मुस्कान ऑफिस से आई थी, इसके बाद हम खाना बनाएंगे एंड पैकिंग करेंगे, पैकिंग का तो प्लान हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि इसको नींद आ रही है और मुझे भी नींद आ रही है, एंड अभी हमने खाना बना लिया, और खाने में हमने क्या बनाया है, पलो हाँ यार कुछ भी है मतलब, ठीक है जो समझ आ गया समझ आपको, पलाओ वेज बिरयानी हमने बनाई हुई आज, यहाँ पे हमारी बेस बिरयानी जो बन रही है एंड सैलेड में हमारा ऑनियन एंड दही, जो जिसके बिना हम बेस बिरयानी बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। सो रेडी है हमारा खाना एंड अभी मुस्कान भी रेडी है खाना खाने के लिए, इसको आ रही है तेज नींद एंड मॉर्निंग में बनने वाले हैं ग्रिल सैंडविच एंड देखो हम मेयोनीज और सैंडविच लेके आ गए हैं, वेजेस हमारे पास हैं एंड ये देखो चॉकलेट्स, फेवरेट चॉकलेट्स उठा ले,
ये मेरे लिए लेके आई है मुस्कान। मुझे तिलक ना बहुत प्यारा लग रहा है यार हनुमान जी का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑरेंज कलर का हनुमान जी का तिलक लेना पड़ेगा और जो मैं डेली अपने माथे पर लगाया करूँगी ताकि शांति रहे मुझे। ये हमारा बिरयानी एंड हमारा खाना रेडी। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया हमारा एंड मैं अभी मंदिर से होकर आ रही हूँ। तो गाइस आज जो है वो हम खाने में बना रहे हैं सैंडविचेस एंड पैकिंग हमारी नहीं हुई है क्योंकि हमें बहुत आलस आ रहा था तो हम सो गए थे दोनों। तो अभी देखते हैं कि अभी पैकिंग होती है। हाँ वैसे तो आज एनी हाउ करनी है, तो चलो गाइस चलते हैं। अभी मैं मंदिर से होकर आ गई हूँ एंड अभी मुझे घर पर जाके सैंडविचेस बनाने हैं, उसके बाद हम खाएंगे मस्त, फिर आपसे मिलेंगे। तो ये देखो गाइस मॉर्निंग की कुछ वाइब अलग होती है, लाइक बिल्कुल खाली खाली सड़कें होती हैं, सभी लोग जो भी रोड पे हैं बस वो अपना काम कर रहे हैं, तो इतना अच्छा आता है लगता है मॉर्निंग में वॉक करके। सो यहाँ पे हमारी बैजेस चॉप हो चुकी हैं एंड हम इसमें डालेंगे मेयोनीज तंदूरी वाली एंड सिंपल वाली, उसके बाद हम बटर में इनको फिल करेंगे, उसके बाद बटर लगाएंगे एंड रेडी हो जाएगी हमारी सैंडविच। तो प्लीज़ आपको अगर फुल वीडियो देखनी है सैंडविच की तो मुझे बताना, मैं इसको भी अपलोड कर दूँगी तो जल्दी से बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने मेयोनीज डाल दिए हैं एंड हम अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर चल जाइए मेरी वीडियो। जिसने भी नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर देखो इस वीडियो को एंड देखो ये अभी मैं आपसे मिलती हूँ, इसको रेडी कर लेती हूँ पहले। तो सबसे पहले हम ना दो स्लाइसेस ले लेंगे ब्रेड की, एक ये और एक ये, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे जो भी हमने मिक्सचर इसके लिए रेडी किया हुआ है इसमें हम फिल करेंगे जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए होगा। आपको अगर फुली स्टफ्ड अच्छी लगती है तो आप उतना डालिए, अगर आपको कम लगती है तो आप कम भी डाल सकते हैं। जैसे मुझे मीडियम में ज़्यादा स्टफ भी अच्छा नहीं लगता है एंड ज़्यादा खाली खाली भी अच्छी नहीं लगती है। तो उसके बाद हमने ये डाल दिया एंड ऊपर से हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस कर देंगे ऐसे एंड हम इस पर लगा लेंगे टिकू टिकू करके बटर एंड यहाँ पे हमारी एक सैंडविच रेडी हो चुकी है और ये आई थिंक जलने भी वाली है। सो रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हम करेंगे अब इसमें अच्छे से इस बटर की कोटिंग, क्योंकि हमारे पास यार वो कोट करने वाला ब्रश नहीं है ना, तो हम जुगाड़ के मिनट के साथ ही करते हैं। यस एंड यहाँ से हम बटर और काट लेंगे ऐसे करके, इस पर भी हम ऐसे करके लगा देंगे तब तक वो नीचे से पक जाएगी। हाँ मेक श्योर एक बात का आपने ध्यान रखना है कि गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम या लो होनी चाहिए, अदरवाइज ये जल जाएंगे अगर आप तवे पे बना रहे हो तो। और अगर आप नॉन स्टिक की तवे पे बना रहे हो तो फिर तो बिल्कुल आप लो ही रखो। तो ये हमने दूसरी तरफ से एंड देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। सो रेडी हमारी सैंडविच एंड अभी हमने तीन बनाई हैं, अभी हमने और भी बनानी क्योंकि हम अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए भी बना रहे हैं। सो गाइज हम अब नया पैकेट ओपन कर रहे हैं क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं टोस्ट। टोस्ट नहीं बोलते उसको, सैंडविचेस बोलते हैं। तो गाइज ये बोल रहे हैं, मैंने बोला और इसने देखो सैंडविच पूरी जला दी है, ये छुपा रही है अपनी काली करतूतों को। हम बनाने वाले हैं टोस्ट, नहीं सैंडविच। हम बनाने वाले हैं टोस्ट और ठीक है। अभी तो अभी इसे देखो एक पैकेट भी नहीं फट रहा है, तो जल्दी कर तवा खाली। जो जो मास्टर शेफ होता है ना वो अपना एक एक मिनट की ना वैल्यू समझते हैं, तो मुझे लगता है तुम मास्टर शेफ में जा पाएगी। और देखो गाइस ये कैसे कर रही है, पूरी जो चीज़ें मतलब लास्ट वाले ब्रेड्स होते हैं ना उनके स्लाइसेस को निकाल के रख रही है, इनकी भी अच्छी बनती है सैंडविचेस। अब हम इसी की सैंडविच बनाएंगे और अंशु ये सारे सैंडविच नहीं, ये मुस्कान के लिए टोस्ट के लिए रखे जा रहे हैं अलग निकाल के। तो पहले बटर क्या करेगी, पहले ये तो डाल। अच्छा ओके पहले हम यार ये मुझे ना कंफ्यूज कर देती है, और कोई बात नहीं है। सो गाइस इसको सैंडविचेस बनाने नहीं आती थी, मैं सिखा रही हूँ इसको और जाएगी ये मास्टर शेफ में। वाह 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 वा, क्या देखिए गाइस क्या कहते हैं, हम अभी टोस्ट बनाएंगे, अंशु को कुछ नहीं आता, इसने सब कुछ यहीं पे आगे मुझसे सीखा है। तो अच्छा अच्छा नाइस। तो गाइस इसको नहीं आता, ये देखो इसको मैंने सिखाया, पहली सैंडविच मैंने बनाई है और अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा मैं दिखा देती हूँ। ये देखो और ये हमने पैक भी कर दी है गाइस। ये गाइस मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, ये इसको मैं सिखा रही हूँ और इसने अभी मुझे क्लासेस ले रही है मुझसे। गाइस नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसको सिखाई है और ये मुझे बोल रही थी अभी, थैंक यू भी बोल रही थी कैमरे के पीछे कि यार तूने मुझे सिखा दी। नहीं मैंने नहीं बोला, नहीं बोला, नहीं बोला,
बोला है उसने, ठीक है गाइस, उसने बोला है और ये मुकर रही है अब, ठीक है, तो ये झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, ठीक है। अंशु ये गलत बात है भाई, मुस्कान ये गलत बात है, ठीक है। टोस्ट है ये, देखो बहुत अच्छे से बनाया है, जो कि ये देखो यहाँ यहाँ से कच्चा है, यहाँ यहाँ से जल गया है, और ये स्पेशल टोस्ट है इसका। तो ये स्पेशल टोस्ट, तो तू मैंने तुझे मैंने गाइस जो क्या बोलते हैं उसको ऑडिशन में निकाल दिया है। बाकी अब इसका मास्टर शेफ का सपना यही चकनाचूर हो रहा है, सपने का छोड़ दे तू प्लीज। तो गाइस ये देखो, झूठ बोल रही हूँ मैं, नहीं बोल रही हूँ, और इसका ध्यान ही नहीं है बिल्कुल नहीं कि कैमरे की, देखो देखो ये देखिए, अब हमारी चाय बनने वाली है। अंशु ने देखिए कितनी अच्छी, देखो मैंने इसे कितने अच्छे से सिखाया था, लेकिन क्या करे, क्या बना रही है ये, भगवान अंशु चाकू दिखा रही है, देख लो, देखो चाकू दिखा रही है अंशु, हम ना प्रात में ही खा रहे हैं क्योंकि हमारे से बर्तन नहीं धोए जाते एंड हमारे पास बर्तन है भी नहीं ज्यादा, तो ये और देखो ये मेरा वाला मग्गा है और ये कांच के ग्लास में पिया की नहीं गाइस वो मेरी है, वो झूठी अभी देखना कैमरे के यार इसने झूठा कर दिया। सो गाइस यहाँ पे मेरी पैकिंग डन हो चुकी है एंड उसके बाद अभी मेरी फ्रेंड आ रही है मेरे से मिलने के लिए, जो महाशिवरात्रि वाले दिन आई थी जिसकी मैंने वीडियो शॉर्ट भी डाली हुई है, तो उसके बाद हम दोनों मार्केट जाएंगे क्योंकि यहाँ से उसको शॉपिंग करनी है, जो हमारी लोकल मार्केट है यहाँ पे, वहाँ पे जाके। एंड उसके बाद गाइस कल का इंतजार रहेगा, कल काफ़ी स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड गाइस कल के ब्लॉग के लिए, एंड लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइज आपको क्या बोलूँ, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल या परसों, जब भी मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब, थैंक यू।